बांह गिरधारी, क्यों आज बांह पकड़ना जरूरी है? आज नरसिंह बाबा आने वाले हैं, हाँ, शाम को नरसिंह महाराज का प्रागट्य भी करना है अपने को। तो ठाकुर को अभी से मना के रखते हैं, थोड़ा थोड़ा मनाएंगे, अभी ठाकुर की तरीके से मनाएंगे, तब जाते जाते मुझे लगता है 5:30 के करीब करीब तो वो नरसिंह बन ही जाएंगे, हाँ, पर मनाना पड़ेगा। आओ तो उनको कहते हैं हमारी बांह पकड़ ले। जिसके पास श्याम दर्शन है उसमें 40वें नंबर के पेज पे है भजन। पकड़ लो बांह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बांह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। मारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो बांह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बांह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। सब गाइए। खड़ी मज भार में नैया, हे भैया कोई नहीं मेरा। खड़ी मज भार में नैया, हे भैया कोई नहीं मेरा। वो खड़ी मज भार में भैया कोई नहीं मेरा। हे भैया आप बन जाओ तो कब से पार जाए। हे भैया पकड़ लो बांह गिरधारी, नहीं तो एक बार हाथ पकड़ तो लो, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ठाकुर से कहती है कि तेरा क्या बिगड़ने वाला है सावरे सेठ, तू तो सेठ है, तेरा क्या बिगड़ेगा, तू तो सावरो सेठ है। मेरे जैसे 1000 मिल जाएंगे पर हमारी लाज चली जाएगी। और वो पकड़ लेता है, पकड़ ली ना, देखा, वो पकड़ ही लेता है। पर आप कहे वैसे, खड़ी मझधार में निवैया, हमारी नाव मझधार में है, हमारा खिवैया कोई नहीं। आज हमारी नाव को किनारे ले जाए, दिशा दे, ऐसा कोई है नहीं। ये समुद्र वाले मझधार की बात नहीं है, नहीं तो लोग आए ये समझ के चले जाएंगे कि दरिया में गया होगा कोई, उसका खिवैया पानी में गिर गया, कुछ हो गया, खाली होगा तो भगवान को बोलता होगा कि ये नाव ले और किनारे लगा दे। ये वो नाव की बात नहीं है, ये हमारे शरीर रूपी नाव की बात है। और मझधार यानी ये संसार, इस मझधार में
हमारी नाव यहाँ है और इस नाव को ठिकाने ले जाने वाला कोई नहीं है, तो आप खेवैया बन जाओ और हमें ठिकाने लगा दो। ओ लदी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, लदी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, ओ लदी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, लदी है पाप की गठरी। अब ध्यान देना, हमारे शीश के ऊपर बजन पाप होगा है भारी, बजन पाप होगा है भारी, इसे डूब जाएगी। क्या है बजन पाप होगा है भारी, इसी से डूब जाए। पकड़ लो महागिर धारी, नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो महागिर धारी, नहीं तो डूब जाएगी। क्या कहते हैं, लदी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, हमने पाप बहुत जमा किए। गलत कहते हैं लोग कि खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना ये बीच का झमेला गलत है। कोई खाली हाथ नहीं आता और कोई खाली हाथ नहीं जाता। हम लोग आते ना तो अपना भाग लेके आते और जाते हैं सब कर्मों के। क्या कहूं साहब, जब जाते हैं तो इतने बड़े कर्म करके जाते हैं पता नहीं क्या, तो कुछ लेके आते हैं कुछ लेके जाते हैं। और क्या ले जाते हैं, बोले पाप कर्मों की पोटलियां बांध के साथ ले जाते हैं। उसकी बात कर रहे हैं बाबा, इसका वजन बहुत भारी है। हमारी जो ये शरीर रूपी नाव है ना, वो हमारे पापों की जो पोटली हमारे शीश पर है ना, उससे दब जाएगी। तो तू खिवैया बन के हमें पार लगा। ओ तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ देते हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ देते हैं। अब ध्यान देना, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ते हैं, तुम्हारे ही भरोसे हम जमाना छोड़ते हैं। जन्म जल मन की प्रीति है, जन्म जल मन की प्रीति है, वो कैसे छूट जाए। सावरे अपना नाता आजकल का नहीं है, कब का है, जन्मों जन्म का। वो कैसे छूट जाए।